हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि पैसे कैसे बचाएं। अगर आप भी आपकी इनकम में से पैसे बचाना चाहते हैं और सेविंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसे 4 टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप भी सेविंग कर पाएंगे और बहुत सारी अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है टिप नंबर 1, महंगी चीजें ना खरीदें। अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और बहुत सारी अमाउंट इकट्ठा करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, तो कभी भी महंगे टॉयज, कोई भी महंगी चीज ना खरीदें। जैसे कि आपका मोबाइल थोड़ा सा पुराना हो गया और आप सोचते हो कि मैं नया मोबाइल ले लूं, और जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका इस मोबाइल से अच्छा काम चल रहा तो क्या जरूरत है, क्यों आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो किसी नए मोबाइल के ऊपर। या आप सोचते हो कि आपके पास छोटी गाड़ी है और आपके पड़ोसी या आपके किसी दोस्त के पास महंगी गाड़ी है, तो आप भी महंगी गाड़ी लेंगे बहुत सारे पैसे से, तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास पहले से कोई गाड़ी है, वो आपकी बहुत अच्छा काम दे रही है, आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर रही है, तो क्या फायदा महंगी गाड़ी लेके आप अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो। तो कभी भी अपने पैसे को महंगी चीजों पे वेस्ट ना करें, और जिससे आपका काम चल रहा है उससे ही काम चलाएं। सो ये थी हमारी टिप नंबर 1 कि महंगी चीजें ना खरीदें। टिप नंबर 2, सोच के डिसीजन लो। अगर आप कोई भी अपना डिसीजन लेना चाहते हो किसी फाइनेंशियली वे पे, या आपको कहीं पैसे लगाना चाह रहे हो, तो सोच समझ के पैसे लगाएं, क्योंकि काफ़ी जगह ये होता है कि हम अपने इमोशंस में आके पैसे लगा देते हैं और हम ये भी नहीं सोचते इससे हमारा फ़ायदा होगा नुकसान होगा, और हम उस पैसे को वेस्ट कर देते हैं। तो कभी भी आप अपने किसी पैसे से रिलेटेड कोई भी बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो तो अच्छी तरह सोच समझ के डिसीजन लो, क्योंकि काफ़ी टाइम हम इमोशन में आके या अपने रिश्तेदारों को समझ के या रिलेटिव्स को देख के डिसीजन ले बैठते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। पहले हमें सोचना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि हम अपने पैसे लगा रहे हैं, तो पहले आराम से सोचो, अच्छी तरह सोच समझ के डिसीजन लो और राइट डिसीजन लो। सो ये थी हमारी टिप नंबर 2 कि सोच समझ के डिसीजन लो। अगर आप अपने पैसे कहीं लगा रहे हो तो सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3, कभी भी उधार मत लो। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग क्या होता है उधार ले लेते हैं, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में उधार हो जाता है, क्योंकि उतारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर हम अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं, इससे अच्छा हम अपनी इनकम में से कुछ सेव करके थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद अपने सपनों को पूरा कर लें, या कोशिश करें उधार कभी ना लें, क्योंकि उधार हमारी ज़िंदगी में एक बोझ बन जाता है। हम अपने कुछ सपनों को पूरे करने के लिए उधार ले लेते हैं और वो बाद में हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। सो ये थी हमारी टिप नंबर 3 कि कभी भी उधार ना लें। सो टिप नंबर 4, इनकम में से 10% सेव करो। अगर आप लोग सेविंग करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, सो ये थी हमारी टिप नंबर 4 कि इनकम में से 10% सेव करने लग जाओ। आज से ही आपकी जो इनकम आए उसका 10% आप सेव करने लग जाओ, ताकि वो 10% थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाए और आगे आपकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे। सो ये थी हमारी टिप नंबर 4 कि अपनी इनकम में से 10% सेव करो। सो आज से ही अपनी इनकम में से 10% सेव करना स्टार्ट कर दीजिए, आगे जाके वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी और आपको लाइफ में आगे बहुत हेल्प करेगी। सो ये थी हमारी टिप नंबर 4। सो ये थी हमारी 4 टिप्स जिसको फॉलो करने के बाद आप भी अपने पैसे बचा पाएंगे। तो चलिए इसका रिव्यू ले लेते हैं। सो सबसे पहले हमारी टिप नंबर 1 कि महंगी चीज़ें ना खरीदें। अगर पहले से ही आपके पास कोई चीज़ है और वो आपकी सारी नीड को पूरा कर रही है, तो कोशिश करें आप अपनी उसकी जगह की नई चीज़ ना खरीदें, क्योंकि अगर आप किसी को देख के या किसी को दिखाने के लिए कि आप नई चीज़ खरीद लेते हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि वो आप अपने पैसे वेस्ट ही कर रहे हैं। अगर आप उसकी जगह सेव करोगे तो वो पैसा आपके लाइफ में आगे काम आएगा। सो कोशिश करें कि महंगी चीज़ें ना खरीदें। और सेकंड नंबर पे हमारी टिप है कि सोच के डिसीजन लो। अगर आप अपने पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो जिसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगने हैं, तो कोशिश करो उस डिसीजन को आप सोच समझ के लो, आराम से लो। पहले अच्छी तरह उसके बारे में सोच लो, उसके बाद डिसीजन लो, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है कि हम जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं और आगे जाकर बहुत ज़्यादा पछताते हैं। सो कोशिश करो हमेशा पैसों के मामले में सोच समझ के आराम से डिसीजन लो। सो अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की कि कभी भी उधार ना लो। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और अच्छी सेविंग करना चाहते हो, सो ये बहुत ही ज़रूरी है कि कभी भी किसी से उधार मत लो, क्योंकि पहले तो हम उधार ले लेते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं, अपने सपनों को भी पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में वो उधार चुकानी बहुत ही मुश्किल हो जाती है और ये आप आगे जाके बहुत ही परेशान हो जाओगे। सो टिप नंबर 4 है कि हमेशा अपनी इनकम से 10% सेव करो, क्योंकि अगर आपकी इनकम में से 10% सेव करोगे तो आगे जाके बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी, जो कि लाइफ में आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपकी मुसीबत में आपकी हेल्प करेगी। सो ये थी हमारी 4 टिप्स जिसको फॉलो करने के बाद आप भी अपने पैसे बचा पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाथ फॉर सक्सेस। थैंक यू।